पार्टी प्रमुख मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेता दयाशंकर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। लखनऊ पुलिस केसरबाग स्थित उनका आधिकारिक आवास पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। उधर दयाशंकर सिंह की तलाश में बलिया पुलिस भी जुटी हुई है। गुरुवार सुबह पुलिस बलिया स्थित उनके आवास में पहुँची, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिले। दयाशंकर के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। दयाशंकर के बयान पर आपत्ति जताते हुए BSP कार्यकर्ता BJP नेता के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में गुरुवार सुबह भारी संख्या में BSP कार्यकर्ताओं ने BJP और दयाशंकर के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया। BSP और TMC ने राज्यसभा में मायावती के खिलाफ UP BJP के उपाध्यक्ष दयाशंकर के बयान को लेकर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मुद्दे पर बुधवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था। गुरुवार को BSP समेत कई विपक्षी दल UP BJP के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बयान पर सरकार को घेर सकती है। अब BJP कैसे विपक्ष का सामना करती है, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल बुधवार को राज्यसभा में समूचे विपक्ष ने BJP नेता दयाशंकर को गिरफ्तार करने के साथ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की थी, जिसे BJP दलितों के मुद्दे पर अपने नेता के बयान के बाद बैकफुट पर आ गई थी। जम्मू कश्मीर में भड़की हिंसा और जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी पार्टियों के नेता पहुंचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक का बहिष्कार किया है। CM मुफ्ती ने राज्य में शांति बहाली पर चर्चा के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद राज्य में हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों की वजह से कई इलाकों में बीते 12 दिनों से कर्फ्यू लागू है। बता दें कि कश्मीर घाटी में भड़की हिंसा में अब तक कम से कम 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। साथ ही 1600 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी जख्मी हुए हैं। दिल्ली में एक बार फिर बिजली का मुद्दा गहराने लगा है। राजधानी के लगभग 2/3 हिस्से में बिजली वितरण का जिम्मा संभालने वाली प्राइवेट कंपनी BSES के कर्मचारियों का एक बड़ा खेमा हड़ताल पर चला गया है। ऐसे में कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से उमस और गर्मी में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों में ज्यादातर हड़ताल पर वो रहे जिनके जिम्मे रख रखाव की जिम्मेदारी होती है, इसलिए जहाँ एक बार बिजली चली गई वहाँ दोबारा जुड़ी ही नहीं। कर्मचारियों की मांग अपनी नौकरी को पक्की करने की है, क्योंकि अब तक BSES ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों से ही काम चलाता है। इसके अलावा वेतन बढ़ाना और फील्ड में काम कर रहे लोगों को आने जाने के लिए पेट्रोल देने जैसी मांग भी शामिल है। दुबई में अमृतसर आई स्पाइस जेट के फ्लाइट में गुरुवार को संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी फैल गई। फ्लाइट में संदिग्ध बैग मिलने की सूचना पर अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट को शहर के भारी इलाके में ले जाया गया, जहां संदिग्ध बैग की जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अब तक स्पाइस जेट की ओर से संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मामले की जांच जारी है। 4 हफ्ते की गर्भवती महिला जो रेप पीड़िता भी है, के गर्भपात कानून को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। SC ने दोनों ही सरकारों से इस मामले में कल तक जवाब देने को कहा है। एक गर्भवती रेप पीड़िता की जान खतरे में है। देश के गर्भपात कानून के कारण वो 24 हफ्ते के गर्भ को नहीं गिरा पा रही है, जबकि बच्चों का ऐसा रोग है जिसमें बच्चे के भी बचने की संभावना नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तत्काल सुनवाई करने को राजी हो गया है और आज इस पर सुनवाई हुई। रेप पीड़िता ने कानूनी तौर पर 24 हफ्ते के अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को गिराने यानी गर्भपात की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। भारतीय कानून उस महिला को उसकी इजाजत नहीं देता। देश भर के रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने के सपने को पूरा करने के काम में दूसरे देशों की मदद लेने के रेलवे की कोशिश रंग लाती दिख रही है। रेल मंत्रालय चीन, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के मसले पर बातचीत कर रहा है। IRSDC के साथ मिलकर चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ग्रुप न्यू भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और बैयप्पन हल्ली रेलवे स्टेशन को डेवलप करेगा। भारतीय रेलवे बेल्जियम के साथ स्टेशनों की जमीन और एयर स्पेस को डेवलप करने को लेकर बातचीत कर रही है। बेल्जियम के साथ भारतीय रेलवे ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाकर मुंबई सेंट्रल, जम्मू, जयपुर और वाराणसी रेलवे स्टेशनों को कमर्शियल तरीके से विकसित करेगी।
फिल्म जगत में कभी अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली ममता कुलकर्णी ने अपने ऊपर लगे ड्रग्स रैकेट के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अपने पुरुष मित्र विक्की गोस्वामी को निर्दोष बताया। ममता फिलहाल केन्या में है। उन्होंने कहा कि वो भारत से भाग नहीं रही है। बॉलीवुड पर 90 के दशक में अपनी धाक जमाने वाली ममता ने कहा उन्हें ड्रग्स से नफरत है। ममता ने कहा कि उन्हें मालूम है कि विक्की कोई गलत काम नहीं कर सकता है और अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे और खुद को मार देंगी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने गलत लड़की पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा मेरा सच मैं जानती हूँ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। आतंकी संगठन ISIS सीरिया, इराक और अफगानिस्तान की तर्ज पर भारत में भी पैन इंडिया मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश में है। AIA की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ कि सीरिया में बैठा हुआ शफी अम्मार उर्फ यूसुफ अल हिंदी पूरे देश में अलग अलग मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, शफी इस देश में ISIA का आतंक फैलाने के लिए नक्सलियों से संपर्क साधा था ताकि नक्सलियों की मोडस ऑपरेंडी को समझकर उसका इस्तेमाल कर सके। शफी ने ISIS के पैन इंडिया मॉड्यूल के लिए नक्सलियों को हथियार भी खरीदने की योजना बनाई थी। NIA की चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा है कि शफी अरमार हिंदुस्तान में खिलाफत के हिसाब से शूरा काउंसिल तैयार कर रहा था। आतंकी संगठन IS का गढ़ बना चुके बांग्लादेश से 260 लोग लापता है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि लापता लोग IS से जुड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर ये आशंका सही साबित हुई तो बांग्लादेश में बड़े आतंकी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। लापता लोगों में ज्यादातर युवा हैं। बांग्लादेश की पुलिस लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। देश की सुरक्षा बल रैपिड एक्शन बटालियन के प्रवक्ता ने कल बताया कि इन युवकों की तलाश आतंकवादी हमले की घटना के बाद आतंकवादियों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान के अंतर्गत की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लापता युवकों की तलाश की जा रही है उनमें से कई युवक सेवारत और अवकाश ग्रहण कर चुके सेना के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और व्यवसायियों के बेटे हैं। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग आज अहम फैसला सुना सकता है। संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद से इन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने आपके उन 21 विधायकों को नोटिस भेजकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था जिन्हें दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद भी संसदीय सचिव बनाए जाने पर 21 विधायकों से जवाब मांगा था। विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में आपत्ति जताई थी। केंद्र का कहना है कि दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव हो सकता है जो मुख्यमंत्री के पास होगा। 21 विधायकों को ये पद देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। गुजरात के ऊना कस्बे में दलित समुदाय के युवकों की बेरहमी से पिटाई किए जाने की घटना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच 7 और युवकों ने कल खुदकुशी करने की कोशिश की, जिससे राज्य में स्थिति और बिगड़ गई। साथ ही समूचे राज्य में कई जगहों पर हिंसा और आगजनी की खबरें मिली हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज ऊना जाने वाले हैं, जहां वे पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस मामले को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में उठाया और हंगामा किया, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। वहीं बुधवार को प्रदर्शनों के दौरान राजकोट, पोरबंदर, बोतड़ और गिर सोमनाथ जिलों में आत्महत्या की कोशिश की घटनाएं सामने आई है। दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती सहित उनके 3 और कार्यकर्ताओं के खिलाफ साकेत थाने में कल मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों पर महिला के साथ बदसलूकी और अभद्रता करने का मामला दर्ज किया है, जबकि सोमनाथ भारती पर इन लोगों को महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस फिलहाल मजिस्ट्रेट के सामने महिला का बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में सोमनाथ भारती समेत अन्य लोगों से पूछताछ करने की बात कह रही है। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का बयान आज कराने की बात कह रही है। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू की BJP छोड़ने और आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता अमरिंदर सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू कांग्रेस में आते हैं तो अच्छा होगा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू की फैमिली के लोग पुराने कांग्रेसी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें जिसको आना है वो आ सकते हैं, लेकिन आना या न आना सिद्धू पर निर्भर करता है। पार्टी में आने पर सिद्धू को डिप्टी CM का पद देने या ना देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सवाल ही नहीं बनता। सिद्धू से इस बारे में ना बात हुई है और ना ही मुलाकात।